मनी बच्चों, कल जो है हम लोग भारत से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक का नाम था भारत में प्रथम, ठीक है। उसी में ये सब सारे क्वेश्चन को जो है लिखना है और समझना है, ठीक है। तो हम लोग आइए इसमें शुरुआत करते हैं 19 नंबर से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जी? तो उनका क्या नाम था? राकेश शर्मा, ठीक है। और इस बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला, ये तो पुरुष थे ना राकेश शर्मा, लेकिन एक और क्वेश्चन इससे बनता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो क्या चीज के नाम से जाना जाता है? उनका नाम था कल्पना चावला, ठीक है जी। कल्पना चावला वे जो है अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन अंतरिक्ष से लौटते समय में, ठीक है, कुछ ऐसे उनके यान में कुछ ऐसे घटना हुआ कि जो है उनका यान जो है पूरे ब्लास्ट हो गया। उसके साथ जो जो, जो छह वैज्ञानिक थे वे भी क्या हो गए जी? वे भी मर गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके आगे 20 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था जी? जनरल करियप्पा। उनका क्या नाम था जी? जनरल करियप्पा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश उनका क्या नाम था जी? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उसके बाद 22 नंबर में प्रथम फील्ड मार्शल के नाम से किनको जाना जाता है? तो जनरल मानेक शाह, क्या लिखे हैं? जनरल मानेक शाह के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर समस्त चैनल स्टेट आदि, क्या लिखे हैं? समस्त चैनल स्टेट आदि चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, उनका क्या नाम था जी? मिहिर सेन, ठीक है। उनका जो नाम था मिहिर सेन, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, लिखे हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जी? श्री शंकर करूप। उनका क्या नाम था जी? श्री शंकर करूप, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर में लिखे हैं पाक स्टेट तैराकी, क्या लिखे हैं? पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति, उनका नाम था बैद्यनाथ, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर भारत में प्रिंटिंग प्रेस, क्या लिखे हैं? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, उनका क्या नाम था जी? जेम्स हिक्की। उनका नाम था जेम्स हिक्की, ठीक है। तो इसको आप लोग विस्तार पूर्वक कैपी कॉपी में लिखिए और इसके आगे जो है कल हम लोग जानकारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।